तरफ मेरे पीछे हिमालय है, जो देवभूमि है, जहां कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने तप किया, और दूसरा हिमालय जैसा व्यक्तित्व मेरे सामने है, जो हमारे राष्ट्र का नहीं एक पूरे विश्व का गौरव है। ऐसे लोकतंत्र के सिरमौर, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, संस्कृति मूलक समृद्धि के, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ के, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के, और इस देश के 140 करोड़ लोगों के जो अभिभावक हैं, पहली बार हम भारत के किसी प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुन रहे हैं और उसको जीते हुए देख रहे हैं, जो भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता और पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। जब वो कहते हैं कि मैं किसी जात पात में विश्वास नहीं रखता, मेरे लिए एक गरीब जाति, एक स्त्री जाति, एक युवा जाति है, एक कृषक जाति है, और मैंने सबको उभारता हुआ भारत को परम वैभवशाली देखना चाहता हूं, और जो विकसित भारत का सपना दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जितने भी हमारे अर्थतंत्र के बड़े बड़े यहां पर भामाशाह हैं, बड़े बड़े उसकी ताकतवर लोग हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया में है, हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जब 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत की खड़ी करना चाहते हैं, अपना अपना उसमें योगदान दें, तो हमारा भी एक कमिटमेंट है उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश के लिए। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी, आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा, ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बातों को ईर्ष्या होती है, लेकिन ये व्यक्तित्व अर्जित करने के लिए उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, कितने लोग हैं जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, जो फूटी आंख नहीं देखना चाहते मोदी साहब को, लेकिन किसी की परवाह न किए बिना विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ भारत, एक नए भारत का वो जो निर्माण कर रहे हैं। श्रद्धेय मोदी जी का जन्म वडनगर में गुजरात में थयो होतो, पण आध्यात्मिक जन्मभूमि आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी ने आ उत्तराखंड छे, ये धरती उनकी आध्यात्मिक जन्मभूमि है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया, उन्होंने उत्तराखंड को से बहुत कुछ पाया है, बहुत कृतज्ञता उनके हृदय में। आज इस डेस्टिनेशन उत्तराखंड का यह बहुत ही बड़ा, आज एक नया कीर्तिमान इतिहास बनने जा रहा है यहाँ पर, संस्कृति मूलक समृद्धि का और पीस टू प्रॉस्पेरिटी का जो मंत्र हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं आश्वस्त हूँ यहाँ समृद्धि के संस्कारों के, अपने सनातन ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान और अनुसंधान के सांस्कृतिक विरासत को लेकर के समृद्धि के जो नए शिखर घड़े जाएंगे, उसमें उत्तराखंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एक बार पुनः आप सब, मैंने देखा यहाँ पर कुछ 5-5, 10-10 करोड़ के भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ 5-10, 20-25 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 30 साल हमें उत्तराखंड में हो गए यहाँ, मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूँ कि 30 सालों में एक तो यहाँ का जो वातावरण है, जैसे यहाँ के स्किल्ड लेबर है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ के, पूज्य आचार्य वाक्षण जी, और हमने जब यहाँ से यात्रा शुरू की थी अपनी योग की, अध्यात्म की, स्वदेशी की, जो सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, वोकल के लिए हम लोकल बने और लोकल को ग्लोबल बनाए, ये उत्तराखंड मात्र एक इन्वेस्टमेंट की भूमि नहीं है, ये पुण्य भूमि भी है। एक फकीर जो 30 साल पहले यहां पर आया था, 1 रुपया नहीं था, आज 1,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड का आशीर्वाद भी फलता फूलता है। ये इतनी बात कह करके मैं सभी से आह्वान करता हूं, आओ हम सब मिलकर के एक नए उत्तराखंड का, एक नए भारत का निर्माण करें, और जो विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको इतनी ताकत दें
कि आने वाले 10-15 सालों में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक राजनीतिक महाशक्ति बने, इतनी बात कहता हूं, अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड।